सो हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आज आपको लेकर आ चुका हूँ गुरुग्राम के वाटिका चौक पर, और इस जगह पर बनाया जा रहा है वाटिका चौक अंडरपास। और आज इसी अंडरपास का मैं आपको काम दिखाने वाला हूँ। ये जो अंडरपास बनवा रही है वो बना रही है NHI। पिछले अपडेट के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो इस अंडरपास पे अच्छा खासा काम हुआ है बीते पिछले कुछ दिनों में। वाटिका चौक अंडरपास यह बनाया जा रहा है 109 करोड़ की लागत से। 75 मीटर लंबा यह अंडरपास होने वाला है, जिसमें 300 मीटर का अप्रोच रोड भी होगा। और इस अंडरपास का निर्माण, जैसा कि मैंने आपसे कहा, NHI करवा रही है। कंपनी जो इस पे काम कर रही है वो है OSE ओरिएंटल। ये वही कंपनी है जिन्होंने सोना एलिवेटेड रोड के पैकेज 1 पे काम किया था। इस SPR रोड के ऊपर बनाए जाने वाला अंडरपास, जिसे कि वाटिका चौक अंडरपास कहते हैं, इस पे पिछले अपडेट के मुकाबले इस वक्त पे अच्छा खासा काम हो चुका है। और ये जो आप देख रहे हैं ये है जब मैंने आपको पिछला अपडेट दिया था, और आज अगर आप देखेंगे तो इस अंडरपास का अप्रोच रोड का जो काम है वो एक हिस्से पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। और ये हिस्सा है जब आप आते हैं खिड़की दौला टोल की तरफ से, और टूवर्ड जब आप जाते हैं फरीदाबाद या गोल्डकोर्स एक्सटेंशन रोड, तो आपको दिखेगा कि अप्रोच रोड पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। इस पे कंक्रीट के मसाली की मदद से जो लेन बनाना है उसका भी काम कर दिया जा चुका है। अब तो यहाँ पर आपको स्टील के ये स्ट्रक्चर्स दिखेंगे जिनकी मदद से यहाँ पर अप्रोच रोड के ऊपर सेट देने का जो काम है वो किया जाएगा। और अभी अगर आप देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो वाटिका चौक के ठीक नीचे यहाँ पर इस वक्त पे किया जा रहा है, ताकि इस जगह पर अंडरपास का निर्माण किया जा सके। इस वक्त पे यहाँ पर मिट्टी निकाली जा रही है ताकि अंडरपास निर्माण का कार्य कर सके टीम, और उसी की वजह से आपको यहाँ पर मशीनरी दिखेगी। ठीक यहाँ पर जो सोना एलिवेटेड रोड का जो फ्लाईओवर है उसके नीचे आपको काम करती हुई टीम नजर आ जाएगी। जब आप इस वाटिका चौक को क्रॉस करके टूवर्ड्स चलते हैं गोल्डकोर्स एक्सटेंशन रोड की तरफ, सेक्टर 55 की तरफ, तब आपको दिखेगा कि यहाँ पर अभी फिलहाल जो अंडरपास के अप्रोच रोड बनाने का जो काम है वो भी किया जाना है। लेकिन फिलहाल अभी अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर लेन बनाने का काम किया जा रहा है, और लेन इसलिए बनाया जा रहा है ताकि यहाँ पर व्हीकल मूवमेंट के लिए जगह दी जा सके। और जैसे ही वो लेन बनकर तैयार हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पर बीच वाले हिस्से पे जो मिट्टी निकालने का काम है वो किया जाएगा, ताकि अप्रोच रोड बनाने का काम किया जा सके। तो अभी इसी वजह से आपको दिखेगा कि राइट हैंड साइड में आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम करती हुई टीम नजर आ जाएगी, ताकि इस जगह पर अप्रोच रोड बनाया जा सके। वैसे NHI की माने तो ये जो अंडरपास की परियोजना है इसका जो डेडलाइन है वो है जुलाई 2023 का। लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे पिछले अपडेट से और आज के अपडेट से, तो आपको ये अंदाज़ा मिल जाएगा कि कब तक ये बनकर तैयार होगा, क्योंकि बहुत तेज़ी के साथ इस पे आपको हमें काम देखने को मिलता है, और इस जगह पर टीम काम कर भी रही है। और इस तरफ आप जाएंगे तो आप फिर यहाँ से स्ट्रेट जाकर इस SPR रोड के थ्रू होते हुए द्वारका एक्सप्रेसवे के खिड़की दौला इंटरचेंज पर कनेक्ट हो जाएंगे। ये अंडरपास इसलिए बनाया जा रहा है ताकि हमें और आपको स्लोडाउन से छुटकारा मिल सके, क्योंकि इस वाटिका चौक पे घंटों का स्लोडाउन लग जाता है। और ये वाटिका चौक है भी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इस वाटिका चौक से लेफ्ट आप जाएंगे तो आप गुड़गांव के राजीव चौक जा सकते हैं, उससे फिर दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करके आप दिल्ली की तरफ जा सकते हैं। यहाँ से राइट अगर आप जाएंगे तो आप यहाँ से आगे जा सकते हैं सोना की तरफ, और फिर सोना में जा सकते हैं उस जगह पर जहां पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का इंटरचेंज बनाया गया है, और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट कर सकते हैं। और स्ट्रेट आप जाएंगे तो आप फरीदाबाद जा सकते हैं, आप गोल्डकोर्स एक्सटेंशन जा सकते हैं। तो बहुत ही बिजी चौराहा है इस वक्त पे गुड़गांव का ये, और आने वाले वक्त में ये और भी बिजी हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का पूरा हिस्सा बनकर तैयार हो जाएगा, या फिर इस तरफ जो द्वारका एक्सप्रेसवे है वो बनकर तैयार हो जाएगा इस साल तक, तो यहाँ पर जो ट्रैफिक का मूवमेंट है वो और बढ़ जाएगा। तो इसी वजह से पहले ही इस जगह पर अंडरपास बनाया जा रहा है, ताकि भविष्य में स्लोडाउन ना लगे इस जगह पर। ये था अपडेट
वाटिका चौक अंडरपास का, और पिछले अपडेट के मुकाबले जैसा कि आपने देखा बहुत सारा काम हो चुका है और आई होप कि आने वाले कुछ महीनों में ये स्टार्ट कर दिया जाएगा हमारे आपके लिए, और जिसकी मदद से हम और आप वाटिका चौक को आसानी से क्रॉस कर जाएंगे और स्लो डाउन में नहीं फंसेंगे। तो चलिए आज के लिए तो बस इतना ही। इस वीडियो को शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करके भाई को मोटिवेट करने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।